जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम के मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल ने किया कारनामा। इस चमत्कार को नमस्कार जरूर कीजिएगा, क्योंकि पैरालिसिस के एक मरीज को एक महीने के अंदर ही उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ करके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। दरअसल क्रिस्टीना जोसेफ नाम की महिला को अचानक से वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे के अवसर पर डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अचानक से उन्हें एक बार पैरालिसिस का अटैक आया, जिसके बाद वह उनके हॉस्पिटल में आई और डॉक्टर कपिल अग्रवाल की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। जी हाँ, बिना किसी ऑपरेशन के इस इलाज में उनको दवाइयों के द्वारा सही किया गया और साथ ही फिजियोथेरेपी वगैरह जो उनकी की गई, उसके बाद आज वह पूरी तरह स्वस्थ होकर के मीडिया के सामने यह बताने को आई। हमारी इस खबर को शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर कपिल अग्रवाल है और मेरे साथ हैं डॉक्टर समीर अरोड़ा। हम दोनों एज न्यूरोलॉजी टीम मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में, जो कि हम हर साल 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसी उपलक्ष्य में हमने आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जिससे कि स्ट्रोक के बारे में जनरल पब्लिक में अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके और ये मैसेज दिया जा सके कि कैसे अपने स्ट्रोक के लक्षणों को टाइम रहते पहचाने और इसके सही उपचार के लिए आगे बढ़ें। इसके आगे जी, जैसे कि डॉक्टर कपिल ने बताया कि स्ट्रोक को जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम रहते अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइम रहते हम इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, तो हम वो डिसेबिलिटी बचा सकते हैं पेशेंट के अंदर। नहीं तो अगर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो सालों साल पेशेंट इसी तरह से एक डिसेबल्ड स्टेट में, एक हाथ पैर में कमजोरी लिए चलता है, अपने काम काज पूरी तरह से नहीं कर पाता है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ इसके साथ साथ रिस्क फैक्टर्स को जानना ज़रूरी है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट रेट की रिदम की प्रॉब्लम्स होना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सबके बारे में भी लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है कि ये भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिनको मॉडिफाई किया जा सकता है। कुछ एक चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो पेशेंट्स को मॉडिफाई करनी पड़ेंगी, जैसे स्मोकिंग छोड़ना, फिट लाइफस्टाइल रखना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों को छोड़ना। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ज़रूरी सवाल, गोल्डन टाइम का आपने जिक्र किया, और गोल्डन टाइम में यदि हार्ट अटैक की बात की जाए तो उस दौर में हार्ट अटैक में अक्सर पंपिंग की जाती है हार्ट की, क्या इसमें भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है या कोई टैबलेट है जब तक गोल्डन टाइम डॉक्टर के पास तक पहुँचाया जाए, कुछ ऐसा है? अनफॉर्चुनेटली ब्रेन स्ट्रोक के केस में हमारे पास घर पे करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। कोई ऐसी दवाई जैसे कि हार्ट में हम सॉर्बिट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ये हम या हम घर में एस्पिरिन दे देते हैं, हम ब्रेन स्ट्रोक के केस में नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि पैरालाइज दो कारणों से ब्रेन में हो सकता है, एक तो ब्लॉकेज और दूसरा ब्रेन हेमरेज। तो अगर ऐसे में हमने ब्रेन हेमरेज का केस है, उसमें ब्लड थिनर हमने बिना चेकअप के दे दिया तो वो और ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ब्लड थिनर हम घर में नहीं दे सकते। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अभी तक हमारे पास साइंस के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम घर में कर सकें। ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए क्या किया जाए? ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए ये जो 5 रिस्क फैक्टर हमने गिनाए हैं, इनको कंट्रोल करके चलें, अच्छे ब्रेन को अच्छी जीवन शैली से हासिल किया जा सकता है। शरीर के जैसे किसी भी अंग से कि आप समय पे सोएं, समय पे भोजन लगें, नियमित एक्सरसाइज करें, और ब्रेन हेल्थ के लिए आप उम्र के साथ साथ नई नई चीज़ों को सीखते रहें, जिससे कि नए नेटवर्क ब्रेन में बने और ब्रेन में पावर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह उठ के ऑफिस गई थी, मैंने अपने ऑफिस में पूरे दिन अच्छे से ड्यूटी करी, व्हाटएवर जो भी मुझे टास्क दिए गए, जो भी 5 मोमेंट्स है, एवरीथिंग मैंने अच्छे से किया। इनफैक्ट मैं दिल्ली जाती थी गुड़गांव से मेट्रो के थ्रू, मैंने ऑफिस अटेंड किया, आफ्टर अटेंडिंग द ऑफिस आई वाज बैक होम। बस मेरे साथ एक इशू रहता था कि मेरे घर में हाउस हेल्प नहीं थी, मैं सारे वर्क अपने आप से करती थी, ऑफिस के भी करती थी। सो मेरे घर में थोड़ा प्रेयर वगैरह का चल रहा था, मैंने ये केम बैक होम तो तब मैंने हाउस क्लीनिंग करी अगेन, फिर मैं प्रेयर करने बैठी। जब मैं प्रेयर कर रही थी आफ्टर हाफ एन आवर, मेरा प्रेयर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा लेफ्ट हैंड में मतलब जैसे नमनेस आता है, वैसा मुझे फील हुआ लेफ्ट लाइन, तो मुझे लगा नॉर्मल है, मैं लाइक मतलब फोल्ड करके बैठ गया जस्ट, फिर मैं नॉर्मल बैठ गई चेयर पे एंड आई स्टार्टेड अगेन प्रे। फिर मैं देख रही हूँ कि अब तो लिफ्ट ही नहीं हो रहा, मैंने कहा ये कभी भी मेरी लाइफ में हुआ नहीं, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट लेफ्ट साइड था तो आई थॉट इट इज समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, शायद हार्ट अटैक, क्योंकि इतना नॉर्मल चल रहा है यंगस्टर्स में हार्ट अटैक। बट फिर मैं देख रही हूँ लिफ्ट ही नहीं हो रहा, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, देन आई रिक्वेस्टेड, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके चलो इमीजिएटली। तो हमें फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गो टू डॉक्टर कपिल, क्योंकि मैं इनसे अवेयर थी।
तो मुझे न्यूरोलॉजिस्ट मतलब आई वॉन्ट टू गो टू डॉक्टर कपिल. मैं यहाँ पे भी जैसी आई एमरजेंसी में आई वॉज सेइंग कि डॉक्टर कपिल को प्लीज़ आप कॉल करिए और मेरी सिचुएशन के बारे में बताइए, क्योंकि सर ने मेरी मम्मा का ट्रीटमेंट किया था एंड उनके फेस पे कोई क्लू नहीं है आफ्टर सर्स ट्रीटमेंट आफ्टर फिजियोथेरेपी की मम्मी को कभी बेल पल्सी हुआ था. सो आई नो कि मैं गोल्डन पीरियड में आई हूँ, सर मुझे अच्छा कर सकते हैं. मतलब मैं पॉजिटिव से आई थी कि आई एम गोइंग टू डॉक्टर कपिल, ही इज़ लाइक अ गॉड टू मी, वो मुझे अच्छा कर देंगे. सो मैं रात में यही बोलती रही, पर डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे जूनियर डॉक्टर्स को, मुझे वो मेडिसिन दे दी गई थी. मैं सर केम इन द मॉर्निंग मेरे पास आए, मैंने सर से एक लाइन पूछी, मैंने कहा सर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, दे आर 1 year and 3 year old, सो क्या मैं फिर से पहले जैसी हो पाऊंगी, बिकॉज लेफ्ट मैं टर्न भी नहीं ले पा रही थी, मूवमेंट तो नहीं था वो भी, मैं बेड पर टर्न भी नहीं ले पा रही थी, दैट वॉज माई कंडीशन. सर सेड आप पहले जैसे हो जाओगे, यू जस्ट इट विल टेक लिटल टाइम बट आप हो जाओगे. सर ने कह दिया, मैंने पॉजिटिव सोच लिया कि सर ने कह दिया अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगी, जो भी मुझे सर इंस्ट्रक्शंस देंगे आई नीड टू फॉलो इट लाइक गॉड्स वर्ड. और उसके बाद जो भी मुझे मेडिसिंस मिली, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स के सर के, मैंने सब फॉलो किया एंड मैं रोज सर मुझे जो भी बोलते थे मैं वो फॉलो करती थी. और फिर मेरा यही था कि मुझे बच्चों के लिए पहले जैसा होना है. एवरी डे आई यूज टू फॉलो लाइक अ प्रेयर आई मस्ट से, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल.